एवरीबॉडी वेलकम बैक एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से जो हमने डेटा इंसर्ट किया था अपने हाइफ डेटा बेस में आप उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं ठीक है बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करना है सो फर्स्ट वीडियो में मैं सिखाया था किस तरह से इंसर्ट एड कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं सेकेंड वीडियो में सिखाया किस तरह से आप फैच कर सकते हैं एंड अब सिखाऊंगा किस तरह से एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके सो हिज अ थिंग अब देखें वापस आ जाते हैं अपने कोर्ट के ऊपर और यहाँ पर देखें ये टाइटल शो हो रहा है एंड आपके पास डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ठीक है अब हम क्या करते हैं ये जो टाइटल है ना मैं इसको रो विजिट में व्राप करूँगा ओके चिल्ड्रन्स ओके चिल्ड्रंस कम ऑन चिल्ड्रेंस एंड देन चिल्ड्रेन में मैं ये टैक्स विजिट को ऐड कर दूंगा ओके एंड टेक्स विजिट को एड करने के बाद यहाँ पर सैमिकॉलर और स्पेसर यूज़ करूँगा ओके स्पेसर को यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आइकन ओके एंड आइकन्स में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा आइकनस डॉट एडिट ओके एंड आइकन्स ओके आइकन और आई आइकनस डॉट डिलीट और यहाँ पर सब कलर कर देते हैं लट्से कलर um, इसका हम चेंज कर देंगे कलर्स और कलर्स डॉट रेड ओके सेव कर दिया और ये रेड हो गया ठीक है और थोड़ी सी यहाँ से स्पेस दे देते हैं स्पेस ओके सो नॉट स्पेस मीन्स साइज बॉक्स और विद यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा उसका 15 पिक्सल ताकि आगे शिफ्ट हो जाए ओके okay, कूल cool, अब हम क्या करते हैं आई थिंक आइकन को नीचे ले आते हैं और डिलीट को पीछे ले जाते हैं ठीक है इट लुक्स आई आई डोंट नो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा बट आप लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें ठीक है सो लेट्स फर्स्ट ना मैं यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ ठीक है मैं लेट्स इंक वा इंक वाल विजिट में व्राप करूँगा और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ जब मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो वो आई कन डी वो जो डेटा है वो डिलीट हो जाए ठीक है सो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ना आ जाएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे लेट से लेट से हम लोग कह देते हैं वॉय ओके वड एंड डिलीट ओके एंड देन इसको हम पास करेंगे नोट्स का मॉडल ओके नोट्स का मॉडल ठीक है सो नोट्स एंड यहाँ पर आप, आप क्या करना है आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर आ जाना है एंड देन आपने यहाँ पर करना है नोट्स मॉडल सॉरी वेट ओके एंड इस फंक्शन को आप करते हैं ए सिंक ओके एंड यहाँ पर आपने नोट्स मॉडल डॉट डॉट डिलीट और ये आपके पास डिलीट हो जाएगा ठीक है अब 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 आपने एक चीज नोटिस की है यहां पर मैं सब कोई इंडेक्स नहीं प्रोवाइड कर रहा इसको जस्ट मैं नोट्स का ये जो नोट्स का मॉडल का एक एक, एक एक एक, एक, क्या कहते हैं आप इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा ठीक है लेट से ये वाला ठीक है ये प्रोवाइड करूंगा या लेट से ये प्रोवाइड करूंगा या लेट से ये प्रोवाइड करूंगा ठीक है तो अब आप देखेंगे सिर्फ ये डिलीट होगा ये नहीं होगा कि ये डिलीट होगा ठीक है द रीजन इज द रीजन इज अब आपके लिए ना हाइफ डेटा इतना ज्यादा इंप्रूव हो गया ना कि वो जब आप यहां पर इसको एक्सटेंड करते हैं ना हाई

आपका ये जो हाइफ ऑब्जेक्ट है ये सब कुछ आपके लिए खुद मैनेज कर रहा है तो आपको टेंशन लेनी नहीं है ठीक है सिर्फ आपको इसका ये नोट्स का मॉडल प्रोवाइड करना है ठीक है और द रीज़न इस उसकी ये जो अडॉप्टर क्लास है ना ये अडॉप्टर क्लास ये सब कुछ यहाँ पर बैकेंड में आपके लिए चीज़ें मैंटेन कर रही है ठीक है सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप जस्ट बैठें और, और और देखें अब मैं क्या करता हूँ यहाँ डिलीट वाले पर यहाँ पर डिलीट ओके डिलीट और इसका मैं प्रोवाइड करूँगा डेटा और डेटा पे यहाँ पर इंडेक्स और इंडेक्स पे जैसे ही देखें डेटा के इंडेक्स पे क्या है नोट्स मॉडल है तो वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया सेव किया और जैसे ही मैं इसके बाद क्लिक करूँगा यू विल सी इट रिमूव्ड आसिफ ताज को रिमूव्ड ओके सो यहाँ पर देखें डिलीट वाला फंक्शन कितना ईजीली यहाँ पर आपके पास आम, हो गया ओके एंड देन मैं अगेन ऐड कर देता हूँ तो यू सी मेरा डेटा ऐड हो गया अब हम आ जाते हैं एडिट पर ओके अब एडिट का फंक्शन भी यार सिमिलरली काम करता है बट आपको थोड़ा सा उसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पर आ जाते हैं इसको अपडेट कर देते हैं या? ओके नहीं हम कर देते हैं वॉइड ओके सो अब हमें क्या करना चाहिए अब हमने अपडेट करना है ना सो अपडेट में जो शो माई डॉल डायलॉग है ना इसको मैं यूज़ करूँगा एंड एडिट डायलॉग ठीक है सो so, इसको मैंने फुल कॉपी कर लिया इसको अगर आपने नहीं देखें अगर मुझे आपने अभी ज्वाइन किया है ना तो ये सोर्स कोड आप देख लें ताकि आपको ना इशू ना हो ठीक है ये देखें और यहाँ पर मैं क्या करूंगा एडिड uh, डायलॉग है सो एडिड डायलॉग में यहाँ पर एडिट नोट्स ओके ये है आपके पास टाइटल कंट्रोलर इंटर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर एंड देन यहाँ पर हम इंसर्शन कर रहे थे ना तो अब यहाँ पर इसको रिमूव करके मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ ओके okay? और अब हम यहाँ पर इसको कहेंगे एडिट ओके आर कैंसिल ओके एंड देन टाइटल अब हमारे पास ऑलरेडी है सो so अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये जो नोट्स का नोट्स मॉडल है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ठीक है नोट्स मॉडल नोट्स मॉडल और यहाँ से इसको हम प्रोवाइड करेंगे टाइटल टी आई टी एल टाइटल एंड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फॉर्म में ठीक है लेट्स आप स्ट्रिंग और सिर्फ आप टाइटल को एडिट करना चाहते हैं लेट्स से ठीक है सो टाइटल एंड देन आप यहाँ पर स्ट्रिंग ओके okay? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ओके स्ट्रिंग और डिस्क्रिप्शन अब देखें क्योंकि हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं ना तो मैं यहां पर क्या करूंगा कंट्रोलर को वैल्यू असाइन कर दूंगा डॉट टेक्सट इज इज इक्वल टू डॉट टेक्सट इज इक्वल टू टाइटल ओके टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और ये डिस्क्रिप्शन और टाइटल हमारे पास कहाँ से आएंगे टॉप से आएंगे जहाँ पर हम इस इस एडिड डायलॉग को कॉल करेंगे ठीक है सो हम वापस जाते हैं एंड यहाँ पर इस एडिड डा एडिड आइकन के so equal, equal, tap, okay, पे जब हम क्लिक करेंगे सो इसको हम रैप कर देते हैं इक्वल इक्वल और यहाँ पर ऑन टैप ओके एंड ऑड ऑन टैप पे जब हम यहाँ पर आ जाएंगे ओके ऑन टैप और यहाँ पर हम क्या करेंगे एडिड डायलॉग ये हमने इसको नोट्स का मॉडल कैसे प्रोवाइड करेंगे जैसे हमने डिलीट वाले को प्रोवाइड किया था डेटा डेटा के इसमें इंडेक्स और यहाँ पर टाइटल कहाँ से आएगा टाइटल तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि कहाँ से आएगा तो ये डिस्क्रिप्शन आ गई ये टाइटल आ गया ठीक है यहाँ से टाइटल आ गया सो लेट्स से अब होगा क्या कि यहाँ पर जब हम इस इस फंक्शन को ये टाइटल यहाँ से भेजेंगे डिस्क्रिप्शन यहाँ से भेजेंगे ना तो यहाँ पर इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपके पास ओल्ड वैल्यू आ जाएगी अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं ना तो आपको ओल्ड वैल्यू इस डायलॉग अलर्ट में शो होगी टाइटल की टाइटल पर डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन पे अब ये सब तो आपने कर लिया लेट्स से अब आप सिर्फ टाइटल को एडिट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन को नहीं करना चाहते ठीक है तो so, उसके लिए बड़ा सिंपल है आपसे आप, आप, आपके पास नोट्स का मॉडल आ रहा है ठीक है नोट्स का मॉडल ऊपर से डॉट टाइटल इज इक्वल टू टेक्स्ट कंट्रोलर ओके सॉरी टाइटल कंट्रोलर टाइटल डॉट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग यह आपके पास सिर्फ टाइटल मॉडिफाई होगा ठीक है एंड देन आपने क्या करना है अवेट ओके वेट करें थोड़ा सा एंड देन आपने यहाँ पर नोट्स मॉडल ओके सो इसको आप ए सिंक कर दें ए सिंक ओके सो नोट्स मॉडल ओके एंड देन आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो आपके लिए सेव कर देंगे और आप इसको रिमूव कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है अब आप देखिएगा ये आसिफ एफ टी है ठीक है और डिस्क्रिप्शन में यू है अब इसको मैं यहाँ पर देखा आसिफ एफ टी और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आसिफ ओके okay, सो so आसिफ ताज कर देता हूँ ओके एंड 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 डिस्क्रिप्शन में यू है ठीक है और डिस्क्रिप्शन में मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके पास टाइटल ही चेंज होगा आ, टी ए जे क्यों नहीं ओके सिर्फ टैन कर देते हैं ठीक है यू नहीं हुआ द रीज़न इसके यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सिर्फ टाइटल को अपडेट करो अब मैं डिस्क्रिप्शन को भी कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन ओके और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर और जब ये आपस में यहाँ पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर ओके डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर सेव एंड यहाँ पर यू विल सी ए एस डी ए एस डी ओके ओके सो हम इसको चेंज कर देते हैं हेलो हाय हाउ आर हाउ आर यू हाउ यू विल सी एडिट एंड हेलो हा आई यू जैसी आपने क्लिक किया यहाँ पर आपके पास आ गया एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट इट यू कैन ईजीली डिलीट इड हैलो हाई यू बिकॉज हमने कंट्रोलर यहाँ पर क्लियर नहीं किए थे सेव होने के बाद सो यू गै इस कैन ईजीली डू दैट मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है यहाँ पर देखें क्लियर कर दें तो आपके पास ये क्लियर हो जाएंगे एंड देन आप इसको मैं टाइटल कंट्रोलर क्लियर कर दें तो ये भी क्लियर हो जाएंगे ठीक है सो आप लेट से यहाँ पर मैं एडिट कर देता हूँ आज सिर्फ आसिफ एंड आसिफ यूट्यूबर कर देते हैं ठीक है एंड देन सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओके एडेट ये देखें आपके पास चेंज हो गया एंड देन अब मैं न्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा ठीक है सो हेलो एंड हेलो में लेट्स से हेलो कर देते हैं एंड लेट्स से सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज बिकॉज दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ हाइफ ठीक है सो so, ये देखें हेलो सब्सक्राइब टू माई चैनल इट्स एडिटेड एंड ईच एंड एवरी थिंग इज परफेक्टली वर्किंग फाइन द वे वी वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन ठीक है ये था हाइफ और इस तरह से आप लोग हाइफ डेटा बेस को यूज़ करते हुए क्रड्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और जबरदस्त किस्म का जो भी आप करना चाहते हैं ना गाइज वो आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं बिलीव में और मैंने आप लोगों को करके दिखाया और कितना इजी है डेटा टू बी रियली ऑनेस्ट वीडियो अगर आप एसक्यूएल के साथ करें ना उसमें डिफ़िकल्ट है बिकॉज इसमें आपको क्यूरीज खुद लिखनी पड़ती हैं यहाँ पर आपके लिए एस जो हाइव डेटा है वो सब कुछ खुद मैनेज कर रहा है यार आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो हम लोगों ने क्या सीखा हम लोगों ने मॉडल्स बनाना सीखे हम लोगों ने उन मॉडल्स को एडाप्टर क्लासेस बनाना सीखी एडाप्टर क्लासेस के बाद उनको इनिशलाइज करना सीखा ओपन करना सीखा डिस्क्लोज करना सीखा डिलीट करना सीखा एडिट करना सीखा उसके बाद इंसर्शन करवाना सीखा एड किस तरह से कर सकते हैं डिलीट अपडेट फैचिंग एंड ईच एंड एवरी दैट यू नीड टू नो अबाउट द हाइव डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया ठीक है सो एट द एंड यार अगेन इतनी एफर्ट की आप लोगों को इतने कॉन्सेप्ट सिखाए तो इट मींस आई डिजर्व सम अप्रिसिएशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों को बेनिफिट हुआ है इसके अलावा आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें जहां पर लाइव आता हूँ आप लोगों के साथ डिस्कशन वगैरह करते हैं एंड आप लोग, And आप लोग uh, मुझे इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं लिंकड इन पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाई फॉलोइंग माई पेज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑल सी यू द नेक्स्ट वन